बाकी प्रिजर्व करके रखते हैं पुराने टाइम के लोग। अरुणाचल में भी दिखाया था मैंने और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही। और ये क्या क्या झूना झूलता है वो? सारा हड्डी वगैरह रखा हुआ है बहुत सारे हिरण का। उन्होंने बोला है कि एक सरप्राइज है आपके लिए। और एक चार पांच गांव दिख रहे थे और एक ब्रदर ने बताया कि एक दूसरा जगह है जहाँ से पूरा का पूरा 300 विलेज दिखते हैं। भाई साहब काफी टॉप पे नागाघाटू बेसी बाल लगे तो मोए जाते। बाकी मौसम काफी ज्यादा यहाँ पे ठंडा है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। तो सुबह सुबह आज कोयमा पे अपना दूसरा दिन है और सुबह सुबह अपने डेनियल भाई जो है उन्होंने बोला है कि एक सरप्राइज है आपके लिए और एक विलेज पे लेके आए। और मैंने वीडियो वगैरह स्टार्ट किया नहीं था, मैंने सोचा था बस ऐसे ही घूमेंगे। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। बहुत ही सुंदर सा एक गाँव है जिस विलेज का नाम है मेजोमा विलेज। और अभी हम जा रहे हैं एक बढ़िया से व्यू पॉइंट में, बाकी आपको व्यू दिखाएंगे। इसके आसपास भी बहुत सारे गांव हैं। यहाँ पे मिलो अपने एक नए नए दोस्त जो कि कल ही हमारा दोस्त ही हुआ है, अपने डेनियल भाई के दोस्त रोशन भाई। हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। तो रोशन भाई तो अपना जो है कोयमा में ही रहता है और साथ में अभी घूमने के लिए आए हैं। ये पतला सा रास्ता है ट्रैक का, अभी इसमें ट्रैक करके हम जा रहे हैं। देखो कुछ ऐसे रास्तों से हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। बाकी ये देखो ये यहाँ पे आई थिंक लगाया हुआ है और ये जो पत्ता है ना नॉर्थ ईस्ट में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा जंगलों में। बाकी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और इसको कुछ यहाँ पे अगर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है, पूजा वगैरह होता है तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। इसमें चावल वगैरह खाना वगैरह इसी में खाते हैं लोग। अभी गांव में आए थे, एक भाई साहब मिले जो कि वो एक बहुत ही सुंदर से व्यू पॉइंट में लेके आए हैं। चाहते हैं कि इस जगह के बारे में सबको मालूम चले, इसलिए हमें लेके आए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा एक कॉटेज बनाया गया है, बस यहाँ पे सिंगल है। बाकी यहाँ से आप बहुत ही सुंदर सा आपको व्यू दिख जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से कोयमा नज़र आ रहा है। और इधर एक गांव है, दूसरा गांव, उसका नाम क्या है पूछ के बताएंगे। यहाँ पे आए थे और यहाँ के जो ब्रदर थे उनका नाम है सिले और ब्रदर ने हमारे लिए देखो स्पेशली यहाँ पे एक चाय बनाया है। एक डिफरेंट टाइप का चाय है, आपको दिखाता हूँ ये क्या से बना है। इसमें चाय पत्ती नहीं है, इसमें ये जो आपको पत्ता दिख रहा है इससे बनाया गया है। तो चलो अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। और व्यू देखो आप कितना मस्त है। तो देखो इस विलेज का नाम है खोनोमा और ये जो है फ्रेश ग्रीन विलेज ऑफ एशिया है, टैग मिला हुआ है, काफी मस्त है। अभी भाई देखो पूरा का पूरा नीचे जो है पेडी फील्ड से और काफी सुंदर दिख रहे हैं। मौका मिले तो वहाँ पर भी जाएंगे और चलते हैं अभी यहाँ से। बाकी ये बहुत अच्छा लगा, कॉटेज ओनर ने हमें चाय वगैरह पिलाया बढ़िया तरीके से, ऑर्गेनिक चाय बना के। इसका जो भी नंबर वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो अगर यहाँ पे स्टे करना है तो। और इस कॉटेज का नाम है मेसरप्रू मेजोमा। बाकी यहाँ पे अभी एक कॉटेज बन चुका है, आने वाले दिनों में इधर भी बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखो सब्जी वगैरह है, सारा कुछ आप कुकिंग करके खा सकते हो, किचन वगैरह सारा कुछ है। अगर स्टे करना है नेचर के बीच में तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हाईली रिकमेंडेड, बढ़िया है। और इधर से एक रास्ता गया ट्रैक की ओर, चलो अभी ऊपर साइड चलते हैं देखते हैं कैसा है। और पानी का सिस्टम देखो भाई कैसा लगा पानी पी के। ओह माय गॉड, यू आर विनिंग, पानी 24 आवर्स इतना में समझ जाना। बाकी रास्ते का कुछ ये सीन है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है इस गांव के बारे में, इस जगह का नाम है अभी मेजोमा, बाकी पुराने टाइम इसको कहते थे मुजुमा। मुजुमा का मीनिंग भी है, उसको मैं अभी आगे चल के बताता हूँ आपको। ओहो भाई साहब, देखो भाई रास्ते का कुछ ये सीन है, काफी मस्त ऑफ रोडिंग है। राइट साइड, ओके okay.
एकदम नेक्स्ट लेवल का ऑफ रोडिंग करने को मिल रहा है यहाँ पे मिजुमा विलेज में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी ऐसे रास्ते मिलते नहीं हर जगह पे। चलो करते हैं, हिमालयन का सही फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी हम आ रहे हैं वहाँ से नीचे से, बाकी रास्ते काफ़ी ऑफ रोडिंग वाले थे और बाइक वगैरह भी देखो यहाँ पे पार्क कर दिया है। और यहाँ पे यूनिक चीज़ हमें देखने को मिला, यहाँ पे देखो इतना बड़ा स्टार है और ये सबसे बड़ा स्टार है नागालैंड का, ऐसा भी बता रहे थे भाई साहब। और यहाँ पे एक बढ़िया सा फोटो पॉइंट है, आई लव मिजुमा करके लिखा हुआ है। तो अभी आए हम मिजुमा गाँव में, और ये जो गाँव है इसका नाम पुराने टाइम में मिजुमा कहा जाता था। मू मीन्स ट्रोगोपन और जू मीन्स प्लेस, तो ट्रोगोपन्स का प्लेस कहा जाता है इसको। एक चिड़िया है ट्रोगोपन जो कि आपको ये दिख रहा है, तो ये ट्रोगोपन्स बहुत सारा अभी भी है यहाँ पे। तो पुराने टाइम में फोरफादर्स के टाइम पे इस जगह को चिड़िया के नाम पे रखा गया था मिजुमा करके। बाकी बाद में ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश ने उसको नाम प्रोनाउंस करने में हार्ड हो रहा था, तो उन लोगों ने चेंज करके इसको मिजुमा कर दिया। बाकी अभी हमारे साथ जो भाई है वो अंगामी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बाकी जेलियांग, चकजांग ऐसे चार पांच ट्राइब मिल करके एक लैंग्वेज बोलती है जिसको कहते हैं तेनिदे, और उसी लैंग्वेज से इसको मिजुमा कहते थे। मू मीन्स ट्रोगोपन और जू मीन्स प्लेस, तो टेंगेदे लैंग्वेज से इसको मिजुमा कहते थे पुराने टाइम में। तो देखो अभी टॉप में आए हुए, बाकी यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। वहाँ पे एक गांव है, उस गांव का नाम है खोनोमा। बाकी अभी देखो यहाँ पे है मिजुमा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिजुमा। और यहाँ पे देखो काफ़ी सुंदर सा गांव है, बाकी वहाँ पे गांव है और उधर वो है कोहिमा। ये इस गांव का नाम क्या है ब्रदर? इस गाँव का नाम हो गया आपका जोसुमा, और उसका जो लास्ट जो दिख रहा है वो कोहिमा हो गया। अच्छा, और इधर क्या है बोला? जुको। हाँ, वो हो गया आपका जफो माउंटेन हो गया, वो जफो माउंटेन जी। और उसके जो नेक्स्ट जो हो गया वो जुकू हो गया, वेस्टर्न जुकू। ओके, वो देखो भाई वहाँ पे एक जफो माउंटेन कहते हैं, टॉप में है पूरा का पूरा। वहाँ से एक आई थिंक ट्रैकिंग का भी कोई रास्ता है, वहाँ पे जा सकते हैं टॉप व्यू पॉइंट में। बाकी नागालैंड का सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन हो गया जफू। ओके, जफू। अपने ब्रदर ने बताया है कि वहाँ पे उस टॉप में जाने से लगभग 100 गाँव दिख जाएंगे हमें, 300 प्लस। काफ़ी टॉप में है आई थिंक, वही है सबसे ज़्यादा टॉप। और वहाँ से ऐसे ही लगभग 300 गांव दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी हमें यहाँ से 4-5 गांव दिख रहे हैं। तो ऐसे ही उस टॉप में जाने से पूरा का पूरा 300 गांव दिख गया। यहाँ देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा फोटो पॉइंट है, और इधर देखो एक बहुत ही बड़ा सा स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी टॉप व्यू पॉइंट पे आए थे, काफ़ी बढ़िया लगा। अभी यहाँ से चल रहे और एक जगह पे, अपने ब्रदर जो है पूरा का पूरा अभी दिखा रहे हैं हमें अपना जो जगह है। चलो चलो इधर, किधर? या विच साइड? डाउन डाउन। ओके, तो अभी फिर से वापस जा रहे हैं नीचे। बाकी ये टॉप पॉइंट था, और यहाँ से लगभग 4-5 गांव दिख रहे थे। और एक ब्रदर ने बताया कि एक दूसरा जगह है जहाँ से पूरा का पूरा 300 विलेज दिखते हैं भाई साहब, काफ़ी टॉप पे है। और ये जो रास्ता है ये टॉप पॉइंट पे आने के लिए ये बस बनाया गया है, यहाँ पे स्टार वगैरह लगाते हैं दिसंबर के टाइम में। 3 बज चुके हैं, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बाकी हिमालयन में ऑफ रोडिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल आपको गड्ढे वगैरह पता ही नहीं चलेंगे। काफ़ी चढ़ाई है, और अपने यहाँ पे देखो भाई जो है स्कूटी लेकर के आए हैं यहाँ पे। स्कूटी वालों के लिए और भी अच्छा है, बाइक में गियर वगैरह शिफ्ट करना पड़ता है, बट स्कूटी में आराम से आप जा सकते हो कुछ इस तरह से देखो, बट डबल कैरी करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है।
काफ़ी ज़्यादा अभी टॉप पे आ चुके हैं। और देखो यहाँ पे रास्ते का कुछ यही सीन है। और ये जो आपको साइड में देखो ये लकड़ी वगैरह दिख रहा है ना, लोग यहाँ पे लकड़ी वगैरह काट के रखते हैं और बाद में जलाने के लिए यहाँ से लेकर जाते हैं। बाकी मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है, अभी इसी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। हाँ, पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया है। के गेट बनाया गया है काफ़ी बढ़िया से, बेम्बू का गेट है मस्त। वहाँ भी देखो पत्थर डाल रखा है और काफ़ी बढ़िया गेट है भाई। भाई अलग ही फील है भाई यहाँ पे तो, काफ़ी मस्त लग रहा है। देखो रास्ते देखो आप एक बार, और यहाँ पे राइड करने का भाई अलग ही मज़ा है। ऑफ रोडिंग चल रहा है पूरा का पूरा अपना। Wow, what is this? थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर थे देखो स्टार के पास में। बाकी अभी उससे भी ऊपर आ चुके हैं और कुछ ये सीन है। अभी देखो यहाँ पे पूरा कैंप साइट वगैरह बन जाएगा। बाकी काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे पूरा पाइन ट्री वगैरह है। और यहाँ पर देखो ये है नागालैंड का स्टेट फ्लावर, इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन एबोरियम और कुछ ऐसा है। बाकी अभी सीज़न नहीं है, फुला नहीं है। बाकी जंगल में पूरा का पूरा दिख रहा है हर जगह पे, उधर है पूरा का पूरा इधर है। अभी मैं गांव के अंदर आ गया हूँ, ये है गांव का अंदर का व्यू। देखो रास्ते कुछ ऐसे हैं, पत्थर से बना हुआ है रास्ता और गाड़ी बाइक यहाँ पे आसपास में एक भी नहीं है। यहाँ पे आई थिंक गाड़ी वगैरह जो भी बाहर ही पार्क करते हैं। और कुछ ये सीन है गाँव का, देखो काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी नेचुरल सा है और कुछ ऐसा है, देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पर देखो ये है गाँव का व्यू पॉइंट, इस व्यू पॉइंट से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है गांव का। यहां पर देखो एक बेड की तरह है, पुराने टाइम में फोर फादर उस टाइम पे जो जवान लड़के होते थे वो मतलब इसी में सोते थे। एक ही पेड़ से बना हुआ है, देख सकते हो काफ़ी मोटा सा है। यहाँ पे लड़के अलाउड नहीं है, बस यहाँ पे लड़के सो सकते थे पुराने टाइम पे। अभी भी यही सीन है लेकिन पुराने टाइम में मतलब ज़्यादा मानते थे। और ऐसे ही मतलब देखो कितना चौड़ा है, पूरा का पूरा एक पेड़ से बना हुआ है। ऐसे ही यूनिक यूनिक चीज़ गाँव में देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो यहाँ पे लाइक फ्रंट में कुछ ऐसा है, यहाँ पे आग वाग जलाने का सिस्टम है। और बैठने के लिए देखो ये भी पेड़ से बना हुआ है, एक एक पेड़ से बना हुआ है, काफ़ी मोटे मोटे। नमस्ते नमस्ते, कहने का आसे अंकल जी, भाल आसे, ये जो अपनी घर आसे ओ नागा घर टू बेसी भाल लगे तो मोए होए। हाँ की कोई जो अपना लैंग्वेज थे हमी नागा नाग होए रमो रमो रोमो फर्सी खाबोले भाल ना। देखो यहाँ पे बाहर ऐसे ही कुछ सब्जियाँ रखा हुआ है, इसको रोमो रोमो कहते बोलते है ना। आपका घर काफी मस्त है, घर काफी बहुत बहुत सुंदर है आपका घर। हमारा मकान जो है पहले से बना हुआ है। अच्छा पुराना हो गया, पुराना हो गया, बनाने के लिए बूढ़ा हो गया, क्या करेगा। हाँ नहीं यही अच्छा है, यहाँ देखो आग वगैरह जल रहा है। इधर दाना बना रहे हो आप, दाना बना रहे हो। और यहाँ पे देखो दादाजी का क्या हुआ, पूरा हंटिंग क्या हुआ, यहाँ पे सारा हड्डी वगैरह रखा हुआ है, बहुत सारे हिरण का और बाघ वाघ का भी, क्या बाघ का है क्या, भालू वगैरह भी हंटिंग किया है बता रहे। बाकी बहुत सारा यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। देखो पुराने टाइम में ऐसे करके धान वगैरह कूटा करते थे। आपने हंटिंग किया है वो हा? आपने हंटिंग किया है हड्डी हड्डी वो जो वो पहले नेम जो है हड्डी को भी जमा करने पड़ते है। अच्छा आजकल जो है वो हिसाब नहीं। क्या क्या हंटिंग की, क्या क्या हंटिंग किया था आपने पहले हा?
क्या क्या हंटिंग किया था? ओ किसम किसम हुआ था, हिरन हिरन वगैरह भी। अच्छा, और क्या क्या जो ना घूमते है वो मिली से मारती है। अच्छा, वो जो अंदर रखा हुआ है सारा आपने ही किया है क्या? हाँ, दूसरा को लेगा आने से तो मना ही है वो। अच्छा अच्छा, अपना सा मरा हुआ तो जमा करती है। अच्छा चलिए ठीक है दादाजी, बाय बाय। बाय 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 बाय, फिर आएंगे तो मिलेंगे आपसे। ठीक है, बाय बाय। ओके, अच्छा अच्छा जना। जी जी ठीक है। अभी दादाजी मिले थे, बाकी उनका जो पुराने टाइम का हंटिंग किया हुआ सारा कुछ रखा हुआ है। बाकी अभी हंटिंग वगैरह जो है वो बैन हो चुका है, लोग यहाँ पे अभी हंटिंग वगैरह करते नहीं है ऐसे। और पुराने टाइम में जानवर वगैरह भी बहुत थे जंगल पे, अभी तो ऐसे जानवर वगैरह भी दिखते नहीं है। बाकी प्रिजर्व करके रखते हैं पुराने टाइम के लोग। अरुणाचल में भी दिखाया था मैंने, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। पुराने लोग जो भी थे वही हंटिंग करते थे। पिजुमा गाँव घूमकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाए, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बढ़िया तरीके से लोगों से मिलेंगे। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो गांव का जो कचरा फेंकने का सिस्टम है कुछ ऐसा है, यहाँ पे डाल के जला देते हैं, काफ़ी बढ़िया लगा। और गांव बहुत ही साफ है, काफ़ी बढ़िया लगा। बाइक वगैरह हमने यहाँ पे पार्क किया था, और हम गए थे ऊपर साइड में, बहुत ही ऊपर गए थे, वो वहाँ पे जो स्टार दिख रहा है उस साइड गए थे। बाकी अभी जाएंगे हम नीचे यहाँ से कोहिमा की ओर। और ये जो मिजुमा विलेज है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी के टॉप में बसा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर तक ये गाँव बसा हुआ है, और पूरा का पूरा लंबा सा गाँव है। बाकी इस साइड भी खाई देखने को मिलेगा, इस साइड भी खाई, बीच में जो प्लेन सा एरिया है थोड़ा सा, उसी में लंबा सा ये गांव बसा हुआ है। काफ़ी यूनिक है, काफ़ी मस्त है, और काफ़ी साफ सुथरा है, बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलेंगे यहाँ से वापस कोहिमा, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर घूमने आना चाहते हो आ सकते हो। चलो स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।